मुंबई में भव्य रूप से मनाया गया गणेश उत्सव बप्पा के पूजा अर्चना के बाद 11वें दिन बप्पा की विदाई की गई। इस दौरान भाजपा और भवानी प्रतिष्ठान द्वारा गणेश बप्पा के स्वागत और गणेश भक्तों के लिए भव्य मंच तैयार करवाया। अमर मेहता ने जो पिछले 18 साल से इस तरह कार्यक्रम कर रहे हैं, इस दौरान भवानी प्रतिष्ठान पर पहुंचे लोकप्रिय सांसद गोपाल शेट्टी ने अमर मेहता द्वारा लगातार इस तरह कार्य को करने पर सराहना की और मंच पर गोपाल शेट्टी ने सभी को शॉल उड़ाकर सभी को सम्मानित किया, जिसके बाद अमर मेहता ने भगवान गणेश की मूर्ति गोपाल शेट्टी का स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना मंच पर लगा रहा। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था सांसद गोपाल शेट्टी और अमर मेहता का, देखिए मुंबई से खास रिपोर्ट। निश्चित बहुत सारे मंच है, लेकिन अमर मेहता और ये मेहता परिवार बोरेली में गत अनेक वर्षों से, जब हेमेंद्र भाई विधायक हुआ करते थे तब से लेकर आज तक ये परंपरा इन्होंने कायम रखी है। और आप देखेंगे कितनी भव्यता इस मंच का है और इस मंच के माध्यम से सभी गणेश भक्तों का यहाँ पर स्वागत किया जाता है, सेवाभावी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाता है। मुझे लगता है कि साल में एक दिन ऐसा आता है जब हम सारे समाज को साथ में लेकर आगे चलने की भावना गणपति बापा के त्यौहार पर होता है। 10 दिन गणपति बापा की पूजा हम सब लोगों ने मिलकर की है, आज अनंत चतुर्थी है, गणपति बापा का विसर्जन हो रहा है। हम चाहेंगे कि सारे विघ्न गणपति बापा के साथ में विसर्जन हो जाए और कल से एक नया जीवन जीने का प्रारंभ हम सब लोग मिलकर करें। मुझे लगता है कि अमर मेहता के मन में यह आया होगा कि गोपाल शेट्टी को गणेश बप्पा की मूर्ति देकर सारे समाज की विघ्न गोपाल शेट्टी दूर करे, और वो प्रयास मैं करते रहता हूँ, निश्चित करूँगा। गत 18 वर्षों से ये बप्पा के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी भवानी प्रतिष्ठान जन जागृति केंद्र की ओर से ये हमने एक फुट का मंच से चालू किया था बापा के आशीर्वचन से, और आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। शायद मतलब ये बापा का आशीर्वाद होगा, और यही कहना चाहूँगा कि जैसे 10 दिन गणपति बापा आते सबके घर में खुशी समृद्धि ऐश्वर्य, वैसे ही सभी के जीवन में बापा ऐश्वर्य समृद्धि सुख संपत्ति देवे। और जब ये 10 दिन का कार्यक्रम होता है, बड़े उमंग से होता है, आप हर रोड मुंबई की हर गली नुक्कड़ में जाओ तो एक इतनी बड़ी उमंग होती है, पर जब बापा जाते हैं तभी जैसे हमने ये बैनर भी लगाए है, आभार भरले होते तू येता ना आते डोले भरून आले तू पाहुन जाता ना, मतलब एक रोना आता है, पर क्या करें वो भी एक परंपरा है। और इसी तरह गणपति बापा सभी के जीवन में खुशियाँ बांटे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। नहीं, गणेश भक्तों के लिए ऐसा है कि हमने ये हमारा मंच करीबन आप 80 फुट है, और सभी गणेश भक्त जो यहाँ पे आते हैं उनको सभी को बैठने की व्यवस्था वगैरह ये सब परंपरागत लास्ट 18 सालों से चालू ही है। गोपाल जी के बारे में कहना मेरे लिए बहुत छोटा शब्द होगा। मैंने 18 इतने सालों में गोपाल जी जैसा सांसद नहीं देखा है। उनका जीवन का एक ही लक्ष्य है कि नेता बड़े नहीं होता है, कार्यकर्ता बड़े होता है। और प्रत्यक्ष आपने देखा कि पहले कार्यकर्ताओं का सम्मान किया, फिर बाद में उन्होंने लिया वापिस, वो नीचे उतरे, हमारे एक कार्यकर्ता है तो उसके लिए वापिस ऊपर आए, ये है हमारे उत्तर मुंबई की बुलंद आवाज सांसद श्री गोपाल शेट्टी। हमने करीबन 2004-05 में शुरुआत की थी, तभी मंच छोटा था, कभी ना कोई नॉलेज नहीं था, तभी हमने एक फुट के बाकड़े से चालू किया था। फिर धीरे धीरे उत्साह बढ़ा, लोगों में प्यार बढ़ा, कार्यकर्ता जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के नाम से पहले से ही कर रहे हैं, और फिर आज आप देख रहे हो स्वयं बापा की मेहरबानी से आज इतना बड़ा मंच हो गया। बापा की मेहरबानी।